देयर स्ट्रांग बैक लेग्स हेल्प देम टू होप एंड जंप ऑन लैंड। इनकी जो पीछे वाली लेग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा यू कैन से स्ट्रांग होती हैं, जिससे वो हॉप कर सकते हैं, मतलब जंप कर सकते हैं और एक कूद सकते हैं। देयर वेब्ड फीट हेल्प देम स्विम इन वाटर। इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, थोड़े फूले से होते हैं, तो उससे क्या होता है, इनको पानी में तैरने में मदद मिलती है। देन दे ब्रीद विद द हेल्प ऑफ लंग्स ऑन लैंड। वो ज़मीन पर अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं एंड थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन इन वाटर। और इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, मतलब नमी से भरी हुई होती है, और उसके कारण वो पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। तो दिस इज ऑल एम्फीबियंस। आगे है हमारा अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अपने बचाव के लिए वो किस तरह से जो ये एनिमल्स हैं किस तरह से अपने अपने आप को बचाते हैं, तो क्या है, मैनी एनिमल्स हैव सम यूनिक फीचर्स दैट हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर यूनिक फीचर्स होते हैं, यूनिक मतलब बिल्कुल अलग फीचर्स होते हैं, विशेषताएँ होती हैं जो कि उन्हें बाकियों से अलग करती है, ताकि वो अपने एनिमीज से, अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकें। Some of the features are discussed below। इस तरह की कुछ जो विशेषताएं हैं उसके बारे में नीचे बताया गया है। कैमोफ्लेज ये क्या होता है, सम एनिमल्स लाइक ज़ेब्रा, चैमलियन, आर्कटिक फ्रॉग्स एंड फ्रॉग कैन ईजिली ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग्स। वो क्या करते हैं, कुछ इस तरह के जो यू कैन से एनिमल्स होते हैं जो कि अपने आप को अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने जिस जगह पर वो रहते हैं उस जगह पर अपने आप को वो मिक्स कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा चैमलियन का सुना है नाम आपने, गिरगिट। गिरगिट क्या करता है, अपना रंग बदलता है, जिस भी सरफेस पे, जिस भी जगह पर वो बैठता है वो अपना कलर उसके तरह कर लेता है। तो उससे क्या होता है, वो मतलब कोई भी उसका एनिमी जो है वो उसको पहचान नहीं पाता। मतलब अगर वो ग्रास पे बैठता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है, अगर वो ब्रांच के ऊपर बैठता है तो उसका कलर ब्रांच के जैसा होता है, दीवार पे जाता है तो दीवार जैसा कलर हो जाता है। तो इस तरह का एक होता है चैमलियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गिरगिट। This makes it difficult for predators to spot them. Predators मतलब जो शिकारी होते हैं जो कि उनको मारना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उनको पहचान पाना। This is known as camouflage. इसका मतलब क्या होता है, camouflage. A chameleon can change its color according to the surrounding. जो chameleon होता है, गिरगिट होता है, वो अपना कलर सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेता है। सिमिलरली इसी तरह से अ लीफ इंसेक्ट, ये है एक लीफ इंसेक्ट होता है, और अ स्टिक इंसेक्ट, या फिर इसको स्टिक इंसेक्ट भी बोलते हैं, मतलब लकड़ी की डंडी जैसा इंसेक्ट होता है, ब्लेंड्स इटसेल्फ विद द लीफ और स्टिक सो परफेक्टली दैट द प्रीडेटर्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अ रियल लीफ और अ स्टिक। वो क्या करते हैं, वो अपने आप को इस तरह से उसके अंदर मर्ज कर लेते हैं, इसके साथ, स्टिक के साथ, मतलब जिसके ऊपर भी वो बैठते हैं उसके साथ अपने आप को ऐसे मर्ज कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, कि मतलब जो उनके जो दुश्मन होते हैं, शिकारी होते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि ये स्टिक है या कोई जानवर है, तो वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर देन इज नेक्स्ट इज फास्ट मूवमेंट। अब इसमें क्या हम पॉइंट क्या कर रहे थे कि एनिमल जो है वो अपने आप को किस तरह से बचाते हैं, तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फास्ट मूवमेंट। फास्ट मूवमेंट का मतलब क्या है, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा तेज गति होना, स्पीड बहुत ज़्यादा होना। सम एनिमल्स सच एज डियर्स, गैजल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स। ये जो डियर होते हैं, गैजल होते हैं, इनकी जो लेग्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, फॉर विद विच दे आर एबल टू रन वेरी फास्ट, जिससे कि वो बहुत फास्ट भाग सकते हैं। दे कैन ईजिली रन अवे फ्रॉम डेंजर और देयर प्रीडेटर्स। वो ईजिली भाग सकते हैं अपने प्रीडेटर्स से, मतलब जो उसके शिकारी होते हैं उनसे बहुत ईजिली वो भाग सकते हैं। नेक्स्ट इज लार्ज बॉडी साइज। कुछ एनिमल्स होते हैं अपने आप को वो अपनी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग वो बचा लेते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल्स आर टू टफ टू बी ईटन बाय अदर एनिमल्स ड्यू टू देयर लार्ज बॉडी साइज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे एलिफेंट है, व्हेल है, उससे क्या होता है, वो इतने ज़्यादा उनको खाने में, मतलब यू कैन से पकड़ने में इतने ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब उनको कोई ईजिली पकड़ नहीं पाता बिकॉज उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो इससे वो अपने आप को बचा लेते हैं। नेक्स्ट है शेल्स एंड स्पाइंस। क्या होता है, शेल्स का मतलब शंख, मतलब अपने उनकी जो बॉडी होती है इतनी हार्ड होती है, शेल की तरह होती है, और स्पाइंस मतलब कांटे। क्या होते हैं कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं क्रैब या टर्टल, ये क्या होते हैं, केकड़ा होता है, टर्टल होता है, उनके ऊपर क्या होती है, एक शेल होती है, काइंड ऑफ बहुत हार्ड सर्फेस होता है जो कि उनकी बॉडी को बचाता है। द बॉडी ऑफ पॉर्क्यूपाइन इज कवर्ड विथ स्पाइंस और क्विल्स। ये जो पॉर्क्यूपाइन है इसकी जो बॉडी है वो कांटों से भरी हुई होती है। इट रिलीजेज द स्पाइंस और क्विल्स एज इट सेंसेज एनी डेंजर। जैसे इसको लगता है कि कोई डेंजर है तो अपने ये स्पाइंस को बाहर निकाल लेता है, और वैसे इसके स्पाइंस इसकी बॉडी में रहते हैं, जैसे इसको लगता है कोई डेंजर आने वाला है, कोई खतरा आने वाला है, तो अपनी वो बॉडी में से स्पाइंस को, कांटों को वो बाहर निकाल लेता है।
ऐसी स्नेल होती है वो शंख के अंदर रहती है। टॉर्टोइस के ऊपर की स्किन होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है और वो अपने आप को पूरे को उसके नीचे छुपा लेता है। देन इज विनॉम एंड स्ट्रिंग्स। विनॉम्स का मतलब होता है पॉइजन। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर पॉइजन होता है और उस पॉइजन के कारण बाकी जो एनिमीज होते हैं वो उनसे दूर रहते हैं। जैसे है बीज, स्नेक्स, स्कॉर्पियो। ये क्या होते हैं? बीज मतलब मधुमक्खी या स्नेक्स, सांप होते हैं, स्कॉर्पियंस मतलब यू कैन से जो काट मारता है बिच्छू वो होते हैं। तो उनके अंदर उनकी जो बाइट होती है या फिर उनका जो डंक होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है जो जिससे क्या उसके जो एनिमीज हैं वो उससे दूर रहते हैं। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन फॉर फूड। अब जो एनिमल्स हैं अपने आप को फूड के लिए कैसे अडेप्ट करते हैं, मतलब उनको फूड कहाँ से मिलता है, कैसे वो फूड के साथ सर्वाइव करते हैं, क्या होता है? डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं बेस्ड ऑन द फूड दे ईट। एनिमल्स कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। जिस तरह का वो खाना खाते हैं उस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है। जैसे बोलते हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। सबसे पहले है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? जो कि सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। एनिमल्स लाइक डियर, काओ, गॉट, ये क्या होते हैं? सिर्फ वो प्लांट्स को ही खाते हैं, ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं आगे वाले दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं एंड जिसको वो काटने के लिए, बाइट करने के लिए और काटने के लिए यूज़ करते हैं। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर ग्राइंडिंग टू च्यू द प्लांट्स। और फिर इनके जो टीथ होते हैं अंदर से वो भी बहुत ज़्यादा यू कैन से स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो प्लांट्स को ईजिली चबा सकें। विच आर रिच इन अ सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोस, जिसके अंदर क्या होता है? सेलुलोस होता है, ठीक है, वो इजीली उसको खा पाते हैं। ये कहाँ है? हमारे जैसे जिराफ है, काओ है, गॉट है, डियर, ये सारे क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। फिर है हमारे कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो कि फिश खाते हैं, वो फ्लैश खाते हैं, किसी और एनिमल की फ्लैश खाते हैं। एनिमल्स लाइक लाइन, टाइगर, ईगल, स्नेक, ये सारे क्या होते हैं? जो वो दूसरे जो जानवर हैं उनके फ्लैश खाते हैं, तो इनको बोलते हैं कार्निवोरस। दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ। इनके जो शार्प टीथ होते हैं, साइड वाले दांत आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि वो फ्लैश को, किसी के फ्लैश का मतलब होता है मांस, मांस को वो इजीली खा पाए। प्रे मतलब उनका जो शिकार होता है, जो उनकी पकड़ में आ गया तो उसको वो खा पाए। देयर शार्प क्लॉज हेल्प देम टू होल्ड द प्रे। और इनके जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं? पंजे। जो इनके पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़ पाए। देन इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स सच एज क्रो, बियर, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट्स को भी खाते हैं और बाकी यू कैन से एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब वो कार्निवोरस भी हैं वो और वो हर्बीवोरस भी हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस, जो कि जानवरों को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? ओमनीवोरस। जैसे है क्रो, कॉकरोच एंड बियर। देन इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं? जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, सिर्फ मरे हुए जीवों को खाते हैं। तो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को यू कैन से साफ रखने के लिए, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। एनिमल्स लाइक हेना, वल्चर, हॉक एक्सेट्रा फीड ऑन फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ये किस तरह से, किस एनिमल्स को खाते हैं? जो कि मर चुके होते हैं, मर चुके होते हैं। कोई भी जीव जंतु है, कोई कीड़ा मकोड़ा है या फिर कोई भी लाइक यू कैन से एनिमल है मरा हुआ है तो उसको वो खाते हैं। These are called scavengers. इनको बोलते हैं scavengers. Scavengers help to keep our surroundings clean. ये हमारी surroundings को, हमारे आसपास के एरिया को साफ रखने में मदद करते हैं। Then is parasites. Parasites क्या होते हैं? Animals like leech, worm and mosquito which live on or inside the body of their living organisms. मतलब वो क्या करते हैं कि ये ऐसे animals होते हैं जो कि दूसरों की body के ऊपर जीते हैं। जैसे मॉस्किटो है वो हमारा खून पीता है या बाकी एनिमल्स का खून पीता है। वॉर्म्स है वो भी काट खा जाते हैं तो उससे वो खून पी के वही जीतते हैं। एक लीच होती है, लीच होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, ये है, ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लीच। ये बहुत छोटी सी होती है और किसी के ऊपर भी लग जाती है ना, ये नॉर्मली जहाँ हिली एरियाज में मिलती है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कीचड़ सा होता है पूरे एनवायरनमेंट में, तो वैसी जगह पे होती है। तो ये आपके ऊपर लग जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, मतलब इट इज एंड इट सक्स द ब्लड। आपका ब्लड चूसती है वो, और ब्लड चूस के वो इतनी मोटी हो जाती है और जब उसका पेट फिल हो जाता है फिर वो आपको छोड़ देती है, लेकिन अदरवाइज वो आपके साथ चिपकी रहती है। तो ऐसी होती है कि लीच। ऐसे ही मॉस्किटोज आपने देखे हैं, रिंग वर्म है, राउंड वर्म है,
टेप वर्म है, ये सारे क्या हैं, आपकी बॉडी को या फिर एनिमल्स की बॉडी को खाते हैं, उनका मतलब खून पीते हैं। पैरासाइट्स गेट देयर फूड बाय सकिंग ब्लड फ्रॉम द होस्ट, होस्ट मतलब जिसके ऊपर वो लग जाए। पैरासाइट्स क्या करते हैं, ब्लड चूसते हैं, खून चूसते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप वर्म, राउंड वर्म एंड हुक वर्म आर सम पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी के अंदर भी रहते हैं ये। टेप वर्म है, राउंड वर्म है, हुक वर्म है, इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो इंसान की बॉडी में रहते हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि इसको भूख क्यों नहीं लगती, बच्चे को भूख क्यों नहीं लगती, तो दूसरा कहते हैं कि उसके तो पेट में कीड़े होंगे, तो मतलब सारा खाना जो आप खाते हो वो कीड़े खा जाते हैं, तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब भूख क्यों ज़्यादा लगती है। तो ऐसे होता है कई बार, तो समटाइम इट हैपन्स। देन इज अडेप्टेशन टू क्लाइमेट, अब जो जीव जंतु हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किस तरह से सर्वाइव करते हैं। जैसे एनिमल्स ऑल्सो अडेप्ट टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस दे लिव, जो एनिमल्स होते हैं वो जो जिस क्लाइमेट में रहते हैं उस क्लाइमेट को भी एडजस्ट करते हैं, उस क्लाइमेट में भी रहने को अपने आप को एडजस्ट करते हैं। क्या होता है, द स्किन एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन विच प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, उनकी जो स्किन होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको बचाती है जब वो अलग अलग यू कैन से क्लाइमेट में जाते हैं। जैसे अगर गर्मी होगी तो उनकी स्किन ऐसी होगी कि वो उनको एयर प्रदान करेगी, कुछ की स्किन इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि जो सर्दियों में वो उनको गर्म रखती है, या फिर उनकी स्किन के ऊपर जैसे यू कैन से वो हो जाता है एक काइंड ऑफ फर होता है जो उनको गर्म रखती है, और बर्ड्स के ऊपर विंग्स होते हैं तो वो उनको गर्म रखते हैं सर्दी में। तो इस तरह का होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट कंडीशन एन एनिमल कैन हैव हेयर, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एनिमल होता है उसके ऊपर हेयर होते हैं, स्केल्स होते हैं, ये पंख होते हैं, फैदर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्केल्स ऑन अ फिश बॉडी आर वाटर प्रूफ, जो फिश की बॉडी के पास स्केल्स होते हैं धारियाँ सी होती हैं वो वाटर प्रूफ होती हैं, एंड प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, और वो क्या करती हैं उनके बॉडी के अंदर पानी के को घुसने में यूवे से रोकती है कि पानी उनकी बॉडी में नहीं घुस पाता उस स्केल्स के कारण। सिमिलरली स्केल्स ऑफ लिजर्ड एंड स्नेक्स प्रिवेंट देयर स्किन फ्रॉम ड्राइंग, ऐसी जो लिजर्ड्स होती हैं जो छिपकली होती है और जो स्नेक्स होते हैं उनकी जो स्किन के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो उसको सूखने नहीं देती, मतलब उनको ड्राई नहीं होने देती है। एंड द फैदर ऑफ अ बर्ड कीप देम वार्म, और जो बर्ड के फैदर होते हैं उसके पंख होती हैं वो उसको गर्म रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 अडेप्टेशन टू एनिमल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका बुक वर्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीबॉडी।